नमस्कार फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज सीख लेते हैं श्री हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर एक आसान सा सोशल मीडिया एड डिजाइन। उसके लिए मैटर मैंने पहले से टाइप कर लिया है और हनुमान जी की प्रतिमा भी डाउनलोड कर लिया है, एक मंदिर भी डाउनलोड कर लिया है। तो इन सभी को मिलाकर एक आसान सा सोशल मीडिया एड डिजाइन कंप्लीट करेंगे। डिजाइन कंप्लीट होने के बाद इसके CDR फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बिल्कुल फ्री के अंदर CDR फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको मैं पेज से बाहर कर लेता हूँ। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं बिल्कुल वर्गाकार में। कीबोर्ड से पी बटन प्रेस करेंगे, पेज के सेंटर में चला जाता है। अब इसी के अंदर हम डिजाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ बैकग्राउंड बना लेते हैं। तो बैकग्राउंड के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ डार्क येलो कलर से रिलेटेड, और यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं ऑरेंज कलर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट कलर फिल कर लिया है। उसके बाद जो है ये मंदिर को हम इसमें सेट करेंगे, इसको हम लाइट कलर में रखने वाले हैं। तो ये मैंने JPG फॉर्मेट में जो है डाउनलोड कर लिया है। सबसे पहले हम इसको ट्रेस करते हैं। तो ट्रेस करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, आउटलाइन ट्रेस के अंतर्गत आपको मिल जाता है लोगो ट्रेस, इस पर क्लिक करेंगे। कुछ ही सेकंड में जो है ये ट्रेस हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेस हो चुका है। सिंपली ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इसको मैं बाहर कर लेता हूँ और इसको जो है डिलीट कर देते हैं। उसके बाद जो है इसमें हम इसी से रिलेटेड लाइट कलर फिल करेंगे, यानी इससे थोड़ा सा लाइट या डार्क रखेंगे। तो सेम कलर फिल किया, कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ। तो 20 की जगह यहाँ पर मैं 30 कर लेता हूँ, ये और भी अच्छा नहीं लग रहा है। लाइट कर देते हैं, यहाँ पर मैं 10% कर लेता हूँ। ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली बॉटम साइड से ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। और इसका और भी मैं डुप्लीकेट करता हूँ मंदिर का, छोटे बड़े मंदिर इस तरीके से जो है यहाँ पर हम सेट कर लेंगे। और इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी बटन से मैं ग्रुप कर लेता हूँ, फिर सिंपली इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। सेट करने के साथ ही अब मैं हनुमान जी की प्रतिमा भी यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ, साइज बड़ी कर लेते हैं। इसमें हम ब्लैक शैडो, वैसे नहीं ब्लैक शैडो तो अच्छा नहीं रहेगा, ड्रॉप शैडो का यूज कर देते हैं। तो टूल्स में जाएं, सिंपली ड्रॉप शैडो टूल सेट करें, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, प्रीसेट के अंतर्गत फ्लैट बॉटम राइट कर लेते हैं और फिर इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। अब हनुमान जी के बैक साइड में मैं सेट कर देता हूँ कुछ डिजाइन। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे और यहाँ से पॉलीगन मैं सेलेक्ट करता हूँ, सिंपली कंट्रोल के साथ इंसर्ट कर लेते हैं और फिर इसकी संख्या भी मैं बढ़ा देता हूँ, इसको कर लेते हैं 20। और सेव टूल का इस्तेमाल करके इन दोनों के बीच में एक नोड ऐड करेंगे, इस पर डबल क्लिक करके। नोड ऐड करने के साथ ही इसको मैं अंदर के साइड लाता हूँ और इसमें जो है येलो कलर से रिलेटेड फिल कर देते हैं। आउटलाइन में नन कर देता हूँ। टूल्स में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली यहाँ से कर लेते हैं फंक्शन ट्रांसपेरेंसी और फिर यहाँ से कर देते हैं एलिप्टिकल पर क्लिक। तो इस तरीके का आपको बहुत ही आसानी के साथ डिजाइन देखने को मिल जाता है। अब सिंपली मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और कलर जो है इसका लाइट कर देते हैं। वैसे डार्क कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो लाइट परफेक्ट रहेगा। चाहे तो आप इसकी संख्या को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो पॉलीगन टूल सेलेक्ट करें और सिंपली इसकी संख्या को यहाँ से और बढ़ा देते हैं। और टॉप साइड में अगर आपके पास कोई फ्लावर जैसा डिजाइन हो तो सेट कर सकते हैं। और बॉटम साइड में मैं कुछ डिजाइन बना लेता हूँ। तो उसके लिए टूल्स में जाए, लेफ्ट टूल सेलेक्ट करें, सिंपली इंसर्ट कर लें और इसका डुप्लीकेट भी कर लेंगे। तो मैं एक डुप्लीकेट करता हूँ, उसके बाद कंट्रोल आर का यूज करके और भी मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एल बटन प्रेस करेंगे, हो जाता है आपस में कंबाइन और फिर इसका कर देते हैं डुप्लीकेट। तो मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सभी को सिलेक्ट करेंगे, टूल्स में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली यहाँ से कर लेते हैं यूनिफॉर्म और इसको उड़ा देते हैं, एडी कर लेते हैं। ओके,
सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे, वैसे इसी में जो कलर है ना वो मैच कर जा रहा है, तो थोड़ा सा इसका कलर जो है डिफरेंट हमें रखना पड़ेगा, ये सही है। और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, 60 कर लेता हूँ मैं। और एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। अब इसमें हम टेक्स्ट भी सेट कर लेते हैं, ये फॉन्ट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और इसका कलर जो है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो सिंपली इसमें फिल करेंगे वाइट कलर और इसमें जो है हम ड्रॉप शैडो या फिर ब्लैक शैडो का इस्तेमाल भी कर लेंगे। तो ब्लैक शैडो मैंने सेलेक्ट किया, सिंपली इंसर्ट कर लिया और कंट्रोल के से ब्रेक भी कर दिया और इसमें ऑरेंज कलर फिल कर देते हैं, थोड़ा सा और डार्क रखेंगे। तो कीबोर्ड से जी बटन प्रेस करें और इसी कलर को डार्क कर लें। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करें, बॉटम साइड से जो है ट्रांसपेरेंट भी कर ले। यहाँ पर मैंने ट्रांसपेरेंट कर लिया तो कुछ इस तरीके से इसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है। इसमें अगर मैरून रखें तो थोड़ा सा और कलर जो है इसका लाइट रखेंगे, थोड़ा सा डार्क हो जा रहा है तो सिंपली थोड़ा सा लाइट कलर ही रखें, ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और इसी प्रकार से इसका कलर चेंज करें या फिर इसमें भी ब्लैक शैडो का इस्तेमाल कर लें। तो इस साइड में इसका इस्तेमाल करता हूँ, कंट्रोल के से ब्रेक करेंगे और सेम कलर जो है फिल कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करेंगे, बॉटम साइड से ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। इस तरीके से आपको इफेक्ट देखने को मिल जाता है। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। उसके बाद ये जो फर्स्ट लाइन मैंने टाइप किया है इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बॉटम साइड में जो है जिसकी तरफ से शुभकामना संदेश दिया जा रहा है वो यहाँ पर नाम टाइप कर सकते हैं।